हम हिंदी माँ के बेटे हैं और संत नरसी की भाषा गुजराती हमारी बड़ी मौसी है। आज ये माँ के बेटे मौसी के बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, इसने लगता है कि ज़्यादा प्रेम बरसेगा। गुजरात अपने आप में एक दिव्य जगह है और विशेष रूप से आज इसलिए भी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आने पर कि भारत की दो बड़ी विचारधाराओं और दो बड़ी धाराओं के जनक यहाँ पैदा हुए। इस देश की आत्मा का निर्माण पूज्य बापू ने किया। ये बात अलग है कि आजकल व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले कुछ बच्चे बापू के विषय में भी अनर्गल कहते हैं। पिताजी 15,000 रुपये का मोबाइल दिला देते हैं ओपो, लड़का सुबह ही सुबह शुरू हो जाता है पोपो और बापू को गाली देता है। जिसकी औकात अपने बापू के सामने बोलने की नहीं है वो अंग्रेजों के सामने खड़े होने वाले बापू को गाली दे देता है। बड़ा आश्चर्य है। अगर भारत की आत्मा का निर्माण बापू ने किया तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी हुई इस मातृभूमि को 1,000 वर्ष बाद बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी विरोध के दो बाहों में मिलाकर इस भारत माता के स्वरूप को पूर्ण कर देने वाले सरदार पटेल को आपने जन्म दिया। ये सरदार साहब की जन्मभूमि है जहां हम आए हैं। सरदार साहब यहीं पैदा हुए और भारत की मातृ संस्था है या माओं की अपनी सीमा है बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करने की। जहां माओं की सीमाएं चूक जाती हैं या किसी विशेष व्यवस्था में बंधकर विवश हो जाती हैं वहां अमूल्य की दुग्ध धारा बहने लगती है और भारत के बच्चे आकार पाते हैं। सबसे पहली दुग्ध क्रांति करने वाले डॉक्टर कुरियन वर्गीज जैसे महनीय ऋषि को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे परिसर में मैं हजारों लोगों के सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने मित्रों से आपका परिचय कराता हूँ जो देश के बहुत महनीय नाम इस मंच पर बैठे हैं। ठीक इस कोने में वीरभूमि बुंदेलखंड से जहाँ के आला ऊदल प्रसिद्ध हैं, जहाँ के महाराज छत्रसाल ने अपनी वीरता की नई गाथा गढ़ी, उसी छतरपुर से वीर रस के एक बहुत अद्भुत कवि अभिराम पाठक यहां पर आए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। अभिराम को आप जब सुनेंगे तो आपकी नसों में जो दूध है वो और अधिक गाढ़ा होकर और अधिक गर्म होकर देश के दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरने के लिए विवश हो जाएगा। माया नगरी मुंबई से दिनेश बावरा आए हैं, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, कई बार लाफ्टर चैनल में भी कई बार आए हैं, कई चैनलों पर आते हैं, कई बार आधी रात डिस्कवरी पे भी आते हैं। हाँ वहां भी चूहे बिल्ली का खेल दिखाया जाता है। ये जो कवि बैठे हैं रमेश मुस्कान जी, ये आगरा से आए हैं। हर कवि को जीवन में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है। हम लोग लौट आए हैं, ये वहीं रहते हैं, तो समझ लीजिए कितने बड़े कवि हैं। जब वो पढ़ेंगे तो आपको उनकी हरकतों से भी पता चलेगा कि वो वहां परमानेंट क्यों रहते हैं। ये जो आगे बैठे हैं ये बुलाए गए हैं, वो आए हैं, जो पीछे बैठे हैं यही अंतर है, वो है असल। हाँ ये जितने सोफे पर पसरे हुए हैं ये शहर के बड़े वाले हैं, और किसी को जब मिल जाता है तो वो पसर जाता है कि अपने को क्या ताली बजानी, वो बजा लेगा पीछे वाला। लेकिन आगे बैठे हुए नगर के बड़े वाले लोगों, आपसे निवेदन है कि कई काम खुद करने पड़ते हैं। मैं बंबई गया था एक इंटरप्रेन्योर मीट में, वहां हजार दो हजार करोड़ के टर्नओवर के लोग आए हुए थे। उस सामने एक 25-26 साल का लड़का बैठा था, बोले जी इनका 3,000 करोड़ का टर्नओवर है, स्टार्टअप बनाया था 3 साल पहले। मैंने कहा बहुत अच्छा है, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी बातें सुनाई, वो हंसे नहीं। मैंने कहा भाई साहब आप हंस वस नहीं रहे कैसे, बोले नहीं आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। फिर ताली नहीं बजाए, मैंने कहा आप ताली नहीं बजा रहे, आपको कविता पसंद नहीं आई क्या, बोले नहीं आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैंने लोग रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों पता चला कि उनकी शादी हुई है।